ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आने वाला समय में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है वो है ये जो चंद्र ग्रहण है। ये हमेशा याद रखिए कि बहुत अच्छा चीज तो नहीं है। इस बार का चंद्र ग्रहण आने वाला समय में बहुत सारे समस्याओं को खड़ा करने वाला है। लेकिन ये चंद्र ग्रहण एक पॉजिटिव सिम्टम भी है इस बार का, कि किसी का करे नहीं करे, क्योंकि ये मकर राशि के मन के ऊपर ये चंद्र ग्रहण हो रहा है और मन को मकर राशि के मन के ऊपर जो राहु का ग्रास था उसको डिलीट करने का सबसे ज्यादा बढ़िया काम करेगा। तो किसी को पॉजिटिव मिले या नहीं मिले, ये चंद्र ग्रहण मकर राशि के लिए तो बहुत पॉजिटिव है। तो चलिए अभी ये विचार हम लोग कर लें कि किस राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण क्या लेके आ रहा है। तो हर एक लोग अपना अपना राशिफल निकाले हैं, मैं भी अपना राशिफल निकाला हूं, लेकिन नक्षत्र फल अभी तक नहीं बताया। तो ये नक्षत्र फल के तहत हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला, ये जो चंद्र ग्रहण है ये अश्विनी अष्टदशा के मध्य भाग में ही आने वाला है। हालांकि अगर कुछ पंचांग का माने, जैसे हमारे ओडिशा पंचांग बोलता है कि ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, सेंट्रल पंचांग मानता है कि नहीं अभी भी अश्विनी में है। और ग्रहण कैसे होगा, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी अगर यहाँ है और चंद्रमा जब तक यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन रूल कहता है कि जहां पर राहुदेव हैं वहां से 7 डिग्री आगे 7 डिग्री पीछे के अंदर। तो चलिए, ये सब बहुत सारा कंफ्यूज है और ये सारा रहेगा ही, इसको भिन्न भिन्न ऋषि भिन्न भिन्न मत। लेकिन ये सच है कि ग्रहण है, ग्रहण हो रहा है और ग्रहण का इफेक्ट भारतवर्ष में भिन्न भिन्न स्थान पे बड़े रूप में पड़ने वाले हैं। और ये भी माने नहीं रखता है कि कितना देर होगा और कितना कम समय होगा या कितना ज्यादा समय होगा। जो भी हो, चंद्र ग्रहण तो चंद्र ग्रहण है। ये विषय मेरा अभी नहीं है कि कितना समय हो रहा है, फायदा होगा नुकसान होगा, राशिफल क्या होगा। ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो निकल चुका है, मैं भी दे चुका हूं बहुत सारा वीडियो। अभी चिंता का विषय ये है कि इस ग्रहण में किन नक्षत्र वालों को क्या परिणाम होगा और किनको सावधानी रहना चाहिए, किसको शांति रहना चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टारगेट नक्षत्र अश्विनी और अश्लेषा, दो प्रकार के फल को लेंगे। जो जिसको पकड़ेगा वो उसके लिए माने रखता है। तो सबसे पहले जो जो लोग केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ग्रहण उनके लिए क्या परिणाम लेके आएगा। अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु, ये 3 नक्षत्र 3 राशि वालों के लिए ये सबसे पहला जन्म तारा में चलेगा और अति मित्र में जाएगा। यानी आपके लिए, आप नक्षत्रों के लिए ये ग्रहण औसतन उत्तम फल प्रदायक है, किंतु जन्म नक्षत्र में होने के कारण, 1 नंबर में होने के कारण संभवतः कई सारे यात्राएं बिना मतलब का ना चाहते हुए भी यात्राएं और खर्चा को दर्ज कर रहा है। पॉजिटिव पार्ट यह है कि आपके जो इतना दिन का राहु का प्रेजेंस था उन सबको माइंड से डिलीट कर देगा। और नेगेटिव फल यह है कि कुछ लोगों को सदमा आ सकता है, भूत पकड़ने जैसे इफेक्ट आ सकता है, भ्रम थोड़ा सा बढ़ सकता है और हो सकता है कुछ अश्विनी और रेवती अश्लेषा वाले, मुख्यतः तो अश्लेषा वाले क्योंकि मीन के अंतर्गत आ रहा है इस ग्रहण के समय, कुछ लोग जिनका प्रचंड समस्या रहेगा
घर में एक जगह में बैठ नहीं सकते, हो सकता है कहीं लॉन्ग रूट में जाएं, यानी ग्रहण लगता हो और ये गाड़ी में रहें, चाहे ट्रेन में रहें, बाय रोड में रहें, बाय कार में रहें। और याद रखना, इनको सावधान कर रहा हूं, कुछ बुरी संवाद मिल सकता है, कुछ बुरे संवाद मिल सकते हैं, लेकिन वो बुरा संवाद आपके लिए समाधान भी लेके आ सकता है। उरिड होने का कोई विषय नहीं है। आंसू देख सकते हैं, दोनों नक्षत्र का संभावना है। तो चलिए आगे चलते हैं, इन नक्षत्र का फल मिल गया। आगे जो लोग शुक्र के तीन नक्षत्र भरणी, मेष, पूर्वा फाल्गुनी, सिंह, पूर्वाषाढ़ा, धनु, इन नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ग्रहण उनके लिए क्या परिणाम लेके आ रहा है अगर उसको देखते हैं, तो ये नक्षत्र से इनका द्वादश नक्षत्र में ग्रहण हो रहा है, या फिर लाभ एकाद मतलब 27-26 नक्षत्र में हो रहा है। 27 या 26 दोनों को अगर पकड़ते हैं इस नक्षत्र से, तो यहां क्या पड़ता है, सीधा सीधा हम लोग गिन लेते हैं, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, अति मित्र जोन पे आ रहा है। तो अति मित्र जोन ले रहा है। और दूसरा हम लोग अगर ये रेवती को भी पकड़ते हैं तो भी जन्म अति मित्र में जा रहा है, इसलिए इनको बहुत ज्यादा चिंता इंटरनल एनर्जी के लिए नहीं करना, आपके लिए उत्तम फल प्रदायक रहने वाला दिख रहा है, यानी आपके लिए अच्छा है कहा जाएगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य के तीन नक्षत्र के लोगों के लिए, यानी ये ग्रहण सूर्य के तीन नक्षत्र यानी कृतिका, मेष, वृष, उत्तरा फाल्गुनी, सिंह, कन्या, उत्तरा साढ़ा, धनु, मकर, आपके लिए ये ग्रहण क्या फल लेके आ रहा है, तो आपके लिए देखते हैं, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, अति मित्र, फिर जन्म तारा आगे, सॉरी, मित्र, अति मित्र, बाधक और मित्र तारा पे आ रहा है, एक यहां का बद्ध तारा पे आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए, और इस नक्षत्र के अगर कोई गर्भिणी महिला है उनको थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहना चाहिए, प्रॉब्लम हो सकता है। और हर प्रकार के जो ग्रहण के नियम हैं, नहीं खाना है और थोड़ा सावधान रहना है, तो इसको जरूर पालन करें। इस समय हवन इत्यादि भी रेमेडी के अनुसार कर सकते हैं। चंद्रमा के तीन नक्षत्र जो रोहिणी, वृष, हस्ता, कन्या राशि, श्रवणा, मकर राशि, इन नक्षत्रों के लिए और इन राशियों के लिए ये ग्रहण क्या लेके आ रहा है अगर निर्णय करते हैं, तो जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, तो यहां पर ये जो बन रहा है आपका ग्रहण, तो अगर यहां से गिनते हैं, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बद्ध तारा और मित्र तारा में आ रहे हैं, तो दोनों इफेक्ट यहां पर दिखाई देगा। अगर क्योंकि ये बाउंड्री सेक्शन में हो रहा है तो दोनों नक्षत्र के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहला आपको अश्विनी नक्षत्र का लास्ट पद और अश्लेषा का वो स्थिति को देखने से ये दोनों रिजल्ट आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको भी मकर जो श्रवणा जिनका बात बोला मैं इनके लिए, तो श्रवणा से अगर आपको चिंतन करना है श्रवणा वाले, तो यहां से देख लो, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, कुछ कार्य सिद्धि होंगे और कुछ कार्य में बाधा हो सकता है, ग्रहण के बाद इसका इफेक्ट रहेगा, यानी सिद्धि भी होने वाला है और बाधा भी आएगा, दोनों के इम्पैक्ट रह रहे हैं। ये कभी नहीं सोचे कि किसी एक नक्षत्र को यहां फाइनल किया जाएगा, दोनों नक्षत्र का फल को यहां पर देखना पड़ेगा। अगर कोई ये बोल दे कि आश्लेषा में ग्रहण, तो आश्लेषा फिर चंद्र और चलो ये सब तर्जमा नहीं करेंगे, हटाओ, बहुत लंबा हो जाएगा तर्जमा और ज्यादा कंफ्यूजन आपके लिए खड़ा कर देगा। अब हम लोग बात करते हैं जिनका जन्म
मंगल के तीन नक्षत्र मृगशिरा, वृष मिथुन, चित्रा कन्या तुला, धनिष्ठा मकर कुंभ। तो इन तीन नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मृगशिरा, वृष मिथुन, चित्रा कन्या तुला, धनिष्ठा मकर कुंभ, इन नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ग्रहण इनको क्या कह रहा है? तो चलिए, धनिष्ठा जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी और साधक। प्रत्यारी मीन्स चैलेंज बढ़ सकता है, झोल झमेला झंझट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, बिना व्यवस्था में आपको काम को खड़ा करना पड़ सकता है, लोड प्रेशर पड़ सकता है, लेकिन 50% अच्छा है। और साधक मीन्स कई सारे कार्य सिद्धि करेंगे। फिर से दिखा दे रहा हूं, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक, तो कार्य सिद्धि योग भी है, लेकिन सिद्धि कम है और प्रत्यारी ज्यादा है, यानी झोल झमेला झंझट ज्यादा है, सिद्धि कम है, लेकिन दोनों का इंपैक्ट आपको 50-50 अनुभव हो जाएगा। जो लोग राहु के तीन नक्षत्र में जन्म हुए हैं, यानी आद्रा मिथुन नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि, स्वाति नक्षत्र तुला राशि, सतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि, आपके लिए क्या बनेगा? जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी आपके लिए चलेबुल है, मात्र 25% आपके लिए बैड है, अदरवाइज गुड है, ज्यादा चिंतनीय विषय नहीं है। और राशि वाइज भी आपसे द्वितीय और तृतीय अफेक्टेड हो रहे हैं, तो यहाँ के लेवल पे यद्यपि राशिफल बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन नक्षत्र फल आपके लिए 75% तक गुड जा रहा है। अब देखते हैं गुरु के तीन नक्षत्र वालों के लिए, ये चंद्र ग्रहण गुरु के तीन नक्षत्र वालों के लिए क्या आ रहा है। तो पुनर्वसु मिथुन कर्क और विशाखा नक्षत्र तुला वृश्चिक, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कुंभ मीन राशि, इनके लिए ये ग्रहण का प्रभाव क्या होने वाला है तो देख लेते हैं। पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र से ये जन्म संपद विपद और क्षमा, तो ज्यादातर विपद का संभावना यहाँ पर दिख रहा है, क्षमा 25% यानी 50-50 यहाँ भी आ रहा है, लेकिन सावधान आपको भी ज्यादा रहना है, क्योंकि विपद है तो कुछ ना कुछ विपद जीवन में संकेत आ सकता है, और अभी आप देखेंगे तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ उसका प्रभाव देख लेना। तुलसी का पेड़ सूखता रह सकता है, होगा नहीं बोल रहा हूं, और घर में मकड़े जाले हो सकते हैं, इस समय घर में कहीं ना कहीं से दुर्गंध आ सकता है, ये प्री इफेक्ट अगर दे रहा है, पैर में या कहीं पर चिपकली गिर गया है, या फिर कोई आंख फड़क रहा हो, या फिर आपके घर में कुछ ऐसे शब्द बाहर से अंदर से अशुभ संकेत और शब्द सुनाई दे रहे हो, बिना मतलब का तनाव हो रहा हो, घर में बीवी के साथ वाद विवाद झगड़ा हो रहा हो, ये सारे संकेत कुछ मिल सकते हैं, सावधान रहना। शनि बाबा के तीन नक्षत्र में जो लोग जन्म हुए हैं, पुष्या कर्क राशि, अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि, आपके लिए ये जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण क्या होने वाला है तो देख लेते हैं। शनि बाबा का तीन नक्षत्र में जन्म संपद और विपद आ रहा है, और यहाँ संपद मिलने का संभावना दिख रहा है, लेकिन इधर 7.5 का राशि का इफेक्ट मानसिक तनाव को बढ़ाना और उसके समय कई प्रकार के यात्राओं को देना और कोई ना कोई व्यक्ति का वियोग होना और मन में ढेर सारे नेगेटिव थॉट्स का बिल्डअप होना, हाथ से कोई ना कोई चीज गिर जाना, मन में विभ्रम होना, गलत निर्णय लेना, और इस समय ऐसे कुछ इंसिडेंट हो सकता है जो जिंदगी भर तक आपको याद रह सके, जिसका चीज से नहीं निकल सकते हैं, लेकिन कुछ द्रव्य प्राप्ति भी योग बता रहा है। आखिरी नक्षत्र रह गया अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि, ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि, रेवती नक्षत्र मीन राशि, ये दोनों ही हो रहा है, एक जन्म संपद और इसको पकड़े तो जन्म संपद या जन्म अति मित्र, दोनों मिक्स मतलब इस जगह में हो रहा है, और यहाँ होने से संभवतः कहीं ना कहीं पिता के ऊपर कष्ट होना, आपके मानसिक इंटरनल कुछ ना कुछ इस समय
जो लोग बहुत बूढ़े हैं, सबको नहीं, जो लोग बहुत बूढ़े हैं, जिनका आयु क्षीण है, जिनका लग्न राशि दुर्बल है, उनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का मेंटल लेवल का प्रॉब्लम, फिजिकल लेवल का प्रॉब्लम, मैं खोल के नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि वो कहीं आप मन में बैठा लो और आपके साथ ऐसा सोच सोच के घटना घटे, मुश्किल हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं इंगित कर दिया, समझ लो, क्योंकि यहाँ आपके जन्म तारा के ऊपर होना या जन्म नक्षत्र के ऊपर होना ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत नहीं होता है। जब होता है बहुत सारे मानसिक तनाव होते हैं, इस समय बहुत सारे गलतियां आपके साथ होते हैं और इस समय सबके लिए नहीं होगा, सबके लिए नहीं होगा, उनके लिए इस समय कुछ स्पेशल केसेस, जो टॉप लेवल पे केसेस, देखिए किसी का बोलते हैं ना लग्न दशम में राहु है, तो सबसे टारगेट हम किसको लेते हैं, जयललिता जी को, जो आप उनके उनका कितना संपत्ति और प्रॉपर्टी देखेंगे, और निचले को अगर लेके जाएंगे तो रोड में जो घूम रहा है पागल। तो ऐसे ही ये इंसिडेंट कुछ लोगों को, इस नक्षत्र के लोगों को हैवी कर सकता है, किसको दुर्बल फल देगा, लेकिन फल इस प्रकार मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।